कोटा पुलिस ने अब अपराधों पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। कोटा पुलिस ने लक्ष्मी विहार इलाके में हुए मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके में लक्ष्मी विहार इलाके में ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा ली। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने लूट के इरादे से दुकानदार की हत्या की थी। हत्या के बाद बदमाश घर में रखे 1500 रुपए और मोबाइल लूट कर ले गए, जिसके बाद ये दोनों बदमाश दक्षिण भारत की तरफ भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर ही दोनों आरोपियों को दबोच लिया। कल कंट्रोल रूम के मार्फत पुलिस को सूचना मिली थी कि लक्ष्मी आर कॉलोनी में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, और उसके बाद SHO भी वहाँ मौके पर पहुँचे मुनिंदर जी, और उसके बाद मैं, हमारे DYSP प्रोबेशनर शंकर लाल जी, SP साहब आए और एडिशनल SP साहब सब मौके पर आए, बारीकी से मौके का निरीक्षण किया, FSL की टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड की टीम बुलाई और MOB की टीम बुलाई, घटनास्थल का निरीक्षण किया। और तो उसके प्रथम दृष्टया यह पाया कि ये जो घटना हुई है, कोई ने लूट की के उद्देश्य से ये घटना हुई है। उसके बाद हमने पुराने जो अपराधी हैं इस तरह की जो वारदात कर सकते हैं उस मोहल्ले में, आसपास में, रेलवे कॉलोनी इलाके के, सबसे पहले उन पर हमने नज़र डाली। जो उसके बाद हमने इसमें दो व्यक्ति, एक इसमें राजू मद्रासी हैं और एक बंटी उर्फ मनोज हैं, इन दो व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया और घटना इन्होंने करना स्वीकार किया। दरअसल 11 मार्च को पुलिस को लक्ष्मी विहार में एक मकान के अंदर दौलत राम नाम के शख्स का शव मिला था, जिसके हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और उसके मुंह पर कपड़ा ठूस रखा था। दरिंदों ने निर्मम तरीके से दौलत राम की हत्या कर दी। पुलिस को मृतक के शरीर पर 16 घाव मिले। बदमाशों ने पेचकस और संडासी से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी और आखिरकार आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। तो वहीं दूसरी ओर कोटा शहर की पुलिस ने पिछले 3 साल से गुमशुदा और चोरी हुए मोबाइल को ढूंढकर उनके मालिकों को सौंपने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में नयापुरा थाना पुलिस ने 65 मोबाइलों को ट्रेस किया और उनके मालिकों को थाने पर बुलाकर पूरी जांच के बाद मोबाइल उनको सौंपे। DSP भगवत सिंह हिंगड़ ने बताया कि शहर पुलिस अधीक्षक विकास पाठक के निर्देश के बाद 3 साल से लापता और चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कई क्षेत्रों से मोबाइल को ट्रेस किया जा चुका है। अच्छा लग रहा है, मेरा फोन को चोरी हुए मतलब 1 साल हो चुका है कंप्लीट, और आज सरप्राइज ये मेरे लिए तो कि जब मेरा फोन वापस मिल गया। उम्मीद थी आपको? नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। किस जगह से चोरी हुआ था? एक्चुअली क्या है ना, मैं स्टेशन से पार्क से आ रही थी ना, तो रास्ते में ये पर्स में से चेन में से गिर गया था, तब से ये यहाँ कंप्लेंट करवाई थी। तो सर थैंक यू सभी की टीम को जिन्होंने मेरा फोन वापस मुझे दे दिया। पुलिस अधीक्षक महोदय विकास पाठक सर ने पिछले 3 साल में जो भी मोबाइल कोटा शहर से मिसिंग हुए हैं उन सब की थानों से लिस्ट कलेक्ट करवाई और उनको एक अभियान के तौर पे इनको सर्च कराना चालू किया। तो पिछले दिनों काफ़ी उसमें से जो है वो मोबाइल मिले हैं, और जिसमें से 65 मोबाइल जो सब एंड्रॉयड हैं और बड़े महंगे मोबाइल थे, वो आज नयापुरा में बरामद हुए थे, जिनको आज सारे लोगों को बुलाया और जिनके मोबाइल थे उनको वापस हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया। इसी तरह मेरे ही सर्कल में कुनाड़ी थाना है, उसमें भी आज 104 मोबाइल जो है अभी दिन में 1 बजे सभी जिन जिनके जो मोबाइल हैं वो उनको आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और काफ़ी महंगे मोबाइल है और काफ़ी प्रयासों के बाद जो है ये मोबाइल मिले हैं। इसमें काफ़ी हमारे जो नीचे साइबर की टीम है उनका भी बड़ा योगदान रहा है, थाना स्तर पर जो लोगों ने इसको, क्योंकि इसमें कई मोबाइल राज्य से बाहर तक चले गए थे और वहाँ से भी इन मोबाइल को कलेक्ट कराया गया, और लगभग ये जो है 1.5 महीने की मेहनत है जिसमें आज ये इतने लाखों रुपए के मोबाइल जो आज मिले हैं कोटा शहर में। आज और भी कई स्थानों पर आज एक अभियान के तौर पे जो है लगभग 600 से ज़्यादा मोबाइल जो है। वहीं पुलिस का कहना है कि अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अब कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पुलिस की ओर से बढ़ते क्राइम को कम करने के लिए अब तफ्तीश तेज कर दी गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस कई टीमें गठित कर उन तक पहुंच रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि पुलिस की तेजी अपराधियों के दिल में किस हद तक खौफ बना पाती है।
पंजाब केसरी टीवी राजस्थान के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।